वेलकम टू द बेंजीन स्टूडियोज़। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना केमिस्ट्री का जो सबसे पहला टॉपिक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो बिना वक्त ज़ाया करते हुए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में सबसे पहले आप पढ़ोगे कि ये छोटी टर्म्स जो हैं, जैसे कि मोल है, एम्पिरिकल फार्मूला है, इनके बारे में। उसके बाद पढ़ते हैं इसमें हम पहली चीज़ तो ये होगी, दूसरी चीज़ जो पढ़नी है उसको बोलते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर्स। दूसरी चीज़ जो पढ़नी है इसमें उसको बोलते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर्स। थर्ड जो चीज़ पढ़नी है हमने, दैट इज़ मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, फॉर्मैलिटी एंड द लॉज विच गवर्न दीज थिंग्स। फोर होंगे हमारे लॉज। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले जो इसमें है स्टार्टिंग के पैराग्राफ्स में, इनमें कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसमें एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है हमारी, वो है सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दी हुई है वो है साल्ट पिटरे। इसका नाम होता है पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। ये कभी कभार एग्ज़ाम्स में पूछ लेते हैं, साल्ट पिटर का फार्मूला बता दीजिए। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, ऑयल ऑफ इरांडा एंड सीड्स ऑफ मऊआ प्लांट्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट वर यूज्ड फॉर मेकिंग सोप्स। ये क्वेश्चन डाल सकते हैं वो। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बताता हूँ, इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में तीन ड्रग्स, यहाँ पे ड्रग्स का नाम दिया हुआ है, सिसप्लैटिन, टैक्सोल। ये दोनों इस्तेमाल होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। और उसके बाद एक ड्रग है EZT, एजीडायोथाइमिडीन, इट इज़ यूज्ड फॉर हेल्पिंग एड्स पेशेंट। और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आ चुका हुआ है एक बार नीट में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। तो यहाँ पर दिया हुआ था मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद NO2 और एक और गैस दी थी क्लोरीन वगैरह। तो वहाँ पर जो आंसर था आपका, दैट वाज क्लोरीन। क्लोरीन इज़ नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, इट इज़ ए ओजोन डिप्लीटिंग गैस। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर थ्री तरह टाइप्स के हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इनके बारे में आपने अच्छे से पढ़ना है, अभी आगे सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में पूरा का पूरा आएगा इनके बारे में। इनके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा मैं। तो अभी फ़िलहाल बस ये तीन चीज़ें पढ़ लीजिए, गैसेस की जो होती है, सॉलिड्स की जो होती है, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। सेकंड जो होती है लिक्विड्स की, डेफिनेट वॉल्यूम है बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, दे डू नॉट हैव द डेफिनेट शेप। They can take the shape of the container in which they are kept. उसके पास आती है हमारी गैसेस। गैसेस की ना डेफिनेट वॉल्यूम है, ना डेफिनेट शेप है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गैसेस। गैसेस की ना डेफिनेट वॉल्यूम है, ना डेफिनेट शेप है। तो पहले देखिए, सॉलिड्स की डेफिनेट वॉल्यूम है, डेफिनेट शेप है। जो हमारे लिक्विड्स हैं उनकी वॉल्यूम तो डेफिनेट है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं है। फिर उसके बाद गैसेस, दे डू नॉट हैव आइदर शेप और डेफिनेट वॉल्यूम। ये हो गया हमारा ये वाला टॉपिक। नेक्स्ट जो हमारी ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, मैटर को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं। अब तो जब बल्क लेवल में देखते हैं ना चीज़ों को, यानी कि मैक्रोस्कोपिक होता है और दूसरा माइक्रोस्कोपिक होता है। माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो बहुत ही स्मॉल होती हैं, और मैक्रोस्कोपिक होती हैं बड़ी क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं ऐसे, प्योर और मिक्सचर। प्योर वो होता है जो 100% जो होता है सेम एटम से बना होता है। मिक्सचर जो होता है मोर देन टू एटम्स से बनेगा, मिक्सचर बोलते हैं उसको। तो इनकी डेफिनेशंस वगैरह दी हुई हैं। तो मिक्सचर जो इन्होंने क्लासिफाई किया है, दैट इज़ ऑफ टू टाइप, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस जो होगा, सब सेम एटम्स मिलेंगे तो तब बनेगा होमोजीनियस। तो दूसरा बनेगा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में जब मिक्स होता है तो एक ही फेज दिखता है, तो लेकिन हेट्रोजीनियस में मोर देन वन फेजेस आर प्रेजेंट। ये होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस के बारे में है। दिस इज़ द
मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट टू इलस्ट्रेट ऑल दीज थिंग्स. सबसे पहले मैटर आया. मैटर दो तरह का है, मिक्सचर का और प्योर का. प्योर में आता है हमारा एलिमेंट और कंपाउंड्स. मिक्सचर में आता है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. कंपाउंड्स जैसे कि हमारा वाटर H2O, इट्स अ कंपाउंड. पोटेशियम नाइट्रेट, इट्स अ कंपाउंड. दीज आर कॉल्ड एज प्योर प्योर कंपाउंड. नेक्स्ट दिस इज़ एन इलस्ट्रेशन टू एक्सप्लेन यू अबाउट दिस. लेकिन आप सबको अब इन चीज़ों के बारे में पहले से पता है तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा. तो नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. प्रॉपर्टीज़ मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? सबसे पहले फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें आता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ठीक है. तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में होती है कंपोजिशन, रिएक्टिविटी, किसके साथ, एसिड के साथ, बेस के साथ. बस यही चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं. ये होती हैं प्रॉपर्टीज़, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. नेक्स्ट इज़ मेजरमेंट. मेजरमेंट जो होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का, जैसे कि केजी हो गया, मोल हो गया, ये कुछ पढ़ना है आपने, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि हम किसी भी हमारे क्वांटिटी को कैसे क्लासिफाई करते हैं, यानी कि उसको कैसे मेयर करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. किस यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं? तो 7 बेसिक यूनिट्स हैं. ये ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सबसे पहले लेंथ. लेंथ की सिंबल है L और इसका SI यूनिट है मीटर. तो कभी कभार पूछ लेते हैं व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ लेंथ. अब किलोमीटर दिया होगा, मीटर दिया, सेंटीमीटर दिया, लेकिन आंसर आपका मीटर होगा. उसके बाद ये सब बेसिक्स हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट ये है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी. उसमें भी ल्यूमिनस इंटेंसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन पूछ लेते हैं व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, दैट इज़ कैंडेला. इसको एग्ज़ाम में पूछा भी गया है. नेक्स्ट ये डेफिनेशंस हैं. और रिसेंटली जो हमारी मॉडिफिकेशन हुई है दैट इज़ किलोग्राम. किलोग्राम को थोड़ा मॉडिफाई किया गया है रिसेंटली. तो उसके बाद ये जो प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस दिए हुए हैं ये भी इम्पॉर्टेंट हैं. ये भी इम्पॉर्टेंट है बोल रहा हूँ. सबसे इम्पॉर्टेंट जो है 10^6, ये फिज़िक्स में भी काम होता है, दैट इज़ माइक्रोमीटर. म्यू एम ये कैपेसिटर के केस में काम आएगा. उसके बाद मिली वाला इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ नैनो इज़ इम्पॉर्टेंट. रेस्ट ऑल ऑफ दीज आर नॉट मोर मच मोर इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट द हेयर इट इज़ गिवन अबाउट द मास एंड वेट. व्हाट इज़ मास एंड व्हाट इज़ वेट? देखो वेट वो होता है जो कि हमारी बॉडी पर फोर्स लगती है. किसकी? ग्रेविटी की. उसको बोलते हैं हम क्या? दैट इज़ कॉल्ड एज वेट. और वेट जो होता है हमारा हर प्लैनेट पे डिफरेंट होता है, क्योंकि जी की वैल्यू डिफरेंट होती है. लेकिन जो हमारा मास होता है दैट इज़ फिक्स्ड. वो ग्रेविटी के असर के बिना होता है, यानी कि वो ग्रेविटी, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रेविटी एंड इट इज़ सेम इन ऑल द प्लेसेस. यूनिवर्स के किसी भी जगह में चले जाओ मास सेम रहेगा, लेकिन वेट चेंज होता है. वेट के ऊपर आ जाता है हमारा फैक्टर ऑफ जी. यहाँ पर दिया हुआ है वेट इज़ द फोर्स एग्जर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट. मास जो होता है अमाउंट ऑफ मैटर होता है किसी भी सब्सटेंस में. दीज आर द सम ऑफ द बेसिक थिंग्स दैट आर आस्क्ड इन द एग्जाम्स. क्योंकि बेसिक से ही क्वेश्चन बनते हैं. कोई आपको रॉकेट फिजिक्स तो पढ़नी नहीं है, एस्ट्रोफिजिक्स. नेक्स्ट वॉल्यूम. वॉल्यूम आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं. क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट आर द सम ऑफ वेज बाय विच वी कैन मेजर वॉल्यूम्स, दैट इज़ फ्रॉम पिपेट, फ्रॉम मेजरिंग सिलेंडर, फ्रॉम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क. तो सबसे एक ही चीज़ बता दूँ मैं, सबसे कारगर और सबसे बेस्ट तरीका जो है ये चारों से है. ब्यूरेट से, पीपेट से,
सिलेंडर से एंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। तो एक चीज़ और याद रख लेना, अगर आपको बोले कोई सिलेंडर से कर सकता है मेजरिंग, यानी कि सिलेंडर से, दैट इज़ नॉट ए करेक्ट वे ऑफ डिटरमाइनिंग द वॉल्यूम बिकॉज देयर आर सम ऑफ द एरर्स प्रेजेंट इन दिस। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वॉल्यूम यू कैन यूज़ ओनली दीज फोर अपरेटसेस। नेक्स्ट इज डेंसिटी। डेंसिटी पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। डेंसिटी जो होती है, दैट इज़ मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपको पता है कि डेंसिटी की इक्वेशन बहुत जगह सब्स्टिट्यूट करके हम डेंसिटी को इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस यूज दिस पेन। PV is equal to nRT. You know that we can substitute volume by density upon mass. P into m by d nRT. So तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली मास या मॉलिकुलर मास निकाल सकते हैं, क्योंकि जब n होगा, दैट इज़ n इज़ द मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बाई टोटल गिवन मास डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर मास, एंड मास एंड मास आर कैन बी कैंसल्ड, मास एंड मास कैंसल हो सकता है, ठीक है। तो इससे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन आती है हमारी, दैट इज़ मॉलिकुलर मास। मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू टू इंटू वेपर डेंसिटी। मॉलिकुलर मास इट इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी। नेक्स्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्वेश्चन जो आता है, दैट इज टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये क्वेश्चन जो है डन है एक नीट में पूछा गया ये क्वेश्चन एक बार, कि कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। तो उसके लिए आपको ये फार्मूला जो है अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा, ये वाला फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसी फार्मूले से आपको कन्वर्ट करना है किसी भी डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है। या तो वो क्वेश्चन आपको इस तरह से दे सकता है, दो देखो, एक तरीके से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि आपको दे देगा केल्विन में। फॉर एग्जांपल दे हैव गिवन यू 298 केल्विन, और इसको बोलें कि कन्वर्ट करो डिग्री फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो उस टाइम क्या करना है, एक बात याद रखिए, जो केल्विन होता है सेल्सियस से किस तरह से रिलेटेड होता है, सेल्सियस जो होता है दैट इज 273 माइनस केल्विन, जो सेल्सियस होता है दैट इज केल्विन माइनस 273। तो 273 यानी कि 290, हमको क्या करना है, केल्विन माइनस 273, 298 माइनस के, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 23। अब हमारे पास जो है दैट इज़ डिग्री सेल्सियस आ गया। अब हमने क्या करना है, डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट वाले इस इक्वेशन में डालना है, और हमारा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस पर भी एक क्वेश्चन आ चुका है नीट में। इसमें क्वेश्चन क्या पूछते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन आपको दे देंगे, एक डिजिट दे देंगे और बोलेंगे कि फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस। तो सबसे पहले जो हमारे कुछ रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, सबसे पहले ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल देयर हैव गिवन यू 4, 5, 6, 7, 8, उसमें सिर्फ टोटल आपने क्या करना है, काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं,
तो वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई एक डिजिट दे दिया आपको, और उससे पहले जैसे पॉइंट, फॉर एग्जांपल इट इज़ गिवन दैट 0.003, तो उस टाइम क्या करना है? अब देखो, अगर पॉइंट ज़ीरो से पहले, अगर पॉइंट से अगर पहले कोई न्यूमेरिक वर्ड होता, जैसे कि 1 से लेकर 9 तक, उस टाइम ना सब के सब सिग्निफिकेंट माने जाने थे, यानी कि टोटल काउंट कर देने थे। लेकिन अगर ज़ीरो है आपका, 0 point something है, उस टाइम क्या करना है, जितने ज़ीरोज़ होंगे उन सबको एलिमिनेट कर देना है और आगे के डिजिट्स काउंट कर लेने हैं। थर्ड जो इसका रूल है, दैट इज़ ज़ीरोज बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे बताया मैंने 2.0005, दैट इज़ सिग्निफिकेंट, देर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट, ज़ीरोज एट द एंड और राइट ऑफ नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया उसने 100.0, अगर देखो पॉइंट के बाद जितने वो नंबर डिजिट लगाएगा वो सब के सब सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, ठीक है। देखो सिग्निफिकेंट फिगर बोलता है कि आपका 1000 का जो नोट है वो 1 रुपये के बराबर है, अकॉर्डिंग टू दिस सिग्निफिकेंट फिगर्स, बिकॉज 1 के आगे अगर 333 लगा दो और अगर डॉट नहीं डालो तो वो सिग्निफिकेंट जो ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं रहते। अगर आप डॉट लगा रहे हो विच मीन्स दैट 3 zeros आर सिग्निफिकेंट, तो पहली बात ये है, और इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। हाँ, लेकिन वो 1000 का नोट आपका वैलिड है। नेक्स्ट इज द, ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जांपल इफ यू आर काउंटिंग समथिंग, उस टाइम आपका सिग्निफिकेंट जो फिगर होगा दैट इज इक्वल टू द थिंग दैट इज यू हैव काउंटेड। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ प्रिसीशन, प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी, ये भी कभी कभार पूछ लेते हैं, और ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि प्रिसीशन और एक्यूरेसी के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ पहले। सबसे पहले तो सबसे पहले प्रिसीशन और एक्यूरेसी के कुछ रूल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपका रिज़ल्ट है, उसकी वैल्यू जो है दैट इज़ 2, और ए जो है वो 2 एक्सपेरिमेंट करता है और उसकी वैल्यूज़ आती हैं 1.95 एंड 1.93, उस टाइम क्या होता है, होता है कि उस टाइम क्या होता है कि अगर जो वैल्यूज़ आती हैं 1.95 1.93, इन वैल्यूज़ को बोलते हैं प्रिसाइज, यानी कि ये प्रिसीशन का मीनिंग हो गया कि जितने आपके आगे पॉइंट के आगे जितने ज़्यादा डिजिट्स आते जाएंगे मतलब कि वो उतना ज़्यादा प्रिसाइज है, और एक्यूरेट का मतलब है कि कितना वो एक्चुअल रिजल्ट के पास है। फॉर एग्जांपल 2.05 जो है वो रिजल्ट के कितना पास है, पर वो एक्यूरेट है लेकिन वो प्रिसाइज नहीं है। लेकिन 1.94 क्या प्रिसाइज है पर एक्यूरेट नहीं है, यानी कि डेसिमल के बाद जितने ज़्यादा पॉइंट आते जाएंगे दैट इज़ प्रिसाइज, और जितनी क्लोज वैल्यू आएगी दैट इज़ एक्यूरेट। ये दोनों में डिफरेंस है, और ये क्वेश्चन क्या पता झोल मोल करके डाल सकते हैं। नेक्स्ट इज़ डायमेंशनल एनालिसिस, ये है कन्वर्जेंस है, ये आपको थोड़ी बहुत याद करनी पड़ेगी कन्वर्जेंस, इंच किसके बराबर होता है, लेंथ किसके बराबर होती है। मेन क्वेश्चन आते हैं हमारे को जो पूछे जाते हैं, दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ मास, मास सेकेंड इज लेंथ, ये कुछ दो वैल्यूज याद करोगे आप तो ये चैप्टर की क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ केमिकल कंबिनेशंस, ये सिंपल सा है, यहाँ पर बेसिक लॉज एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मास जो होता है बिफोर एंड आफ्टर ए रिएक्शन रिमेंस सेम, एंड नो एनर्जी इज लॉस्ट, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी कि दुनिया में जितनी चीज़ें हैं वो किसी एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी कि अगर दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं और मोर देन 1 कंपाउंड बनाते हैं, मास एक एलिमेंट का दैट इज फिक्स्ड इन ए स्मॉल होल नंबर रेशियो, गे-लुसैक लॉ, दिस इज़ नॉट ऑफ मच इम्पॉर्टेंस। नेक्स्ट इज एवोगैड्रो लॉ, दिस इज
दिस इज़ ऑल्सो नॉट मच इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये डेल्टन की थ्योरी जो है वो डिस्कार्ड ही कर दी गई थी और इसके पोस्टुलेट्स जो है वो फेल हो गए थे। नेक्स्ट इज अटोमिक मास। अटोमिक मास जो होता है इट इज़ द मास ऑफ द 1/12 ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप। इस बात को ध्यान से याद कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है कभी कभार और पूछ भी देते हैं, वो इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज एवरेज अटोमिक मास। एवरेज अटोमिक मास वो मास होता है जो कि एवरेज किसी आइसोटोपिक एवरेज से निकालते हैं। फॉर एग्जांपल इसका क्वेश्चन जो बनता है वो दे देंगे आपको कि एक एलिमेंट है फॉर एग्जांपल कार्बन है, उसका 98% जो है दैट इज़ कार्बन 12, 1.08% है कार्बन 13 और क्या बोलते हैं 2.2 × 10⁻¹⁴ है 14। अब बोलेंगे इसका आप रिलेट इनका वो निकालो, आप रिलेटिव एटॉमिक मास यानी कि एवरेज एटॉमिक मास निकालो इनका। तो उस टाइम क्या करना है, इन तीनों को कंबाइन करना है, डिवाइडेड बाय 3 कर देना है, दैट इज़ एवरेज। नेक्स्ट इज मॉलिकुलर मास। मॉलिकुलर मास जो होता है वो किसी मॉलिक्यूल का होता है। फॉर एग्जांपल H2O, H2O में दो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का कितना होता है हमारा 16 और 2 18। और एक बात याद रख लूँ, आपको तो ये चीज़ें आती होंगी, ये बेसिक चीज़ें। नेक्स्ट इज़ फार्मूला मास। फार्मूला मास की इंपॉर्टेंट चीज़ बात सुन लीजिए, फार्मूला मास उन कंपाउंड्स का होता है जिनका एग्जैक्ट नंबर ऑफ हमें मॉलिक्यूल्स का पता नहीं होता। फॉर एग्जांपल कि सोडियम क्लोराइड जो है NaCl, NaCl इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आटम्स एंड 6 क्लोरीन आटम्स, हेंस वी कैन नॉट फाइंड द एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास। सो इन दिस केस वी यूज़ द फार्मूला मास। सोडियम का सही फार्मूला Na6Cl6 होता है, लेकिन यहाँ पर हम सीधे फार्मूले का ही निकाल देते हैं। फॉर एग्जांपल सीजियम क्लोराइड का CS8 और Cl8 होता है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं डायरेक्ट निकाल देते हैं फार्मूले से। नेक्स्ट इज़ द मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और यही कॉन्सेप्ट आपका अगले वाले हर चैप्टर में इस्तेमाल होगा, ठीक है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट में सॉल्यूशन करवाऊंगा क्योंकि सॉल्यूशन जो है दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस चैप्टर। सबसे पहले मोल के बारे में जान लीजिए। मोल को डिनोट करते हैं हम एन एंड इट इज़ इक्वल टू 6.022 × 10⁻³। और देख लो n जो है दैट इज़ इक्वल टू 6.022 × 10⁻²। अब ये दूसरी चीज़ लिख लीजिए कॉपी पे कि मोल जो होता है दैट इज़ इक्वल टू द मॉलिकुलर मास, ठीक है। और मोल जो होता है दैट इज़ इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास। अगर आपका मॉलिकुलर मास दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मॉलिकुलर मास इज 18 और वो किसका दिया है आपको वाटर का, तो विच मीन्स कितने मोल्स पानी के पड़े हैं दैट इज़ इक्वल टू 1 मोल। फॉर एग्जांपल आपको बोल रहे हैं 1 kg ऑफ वाटर कंटेन्स टोटल नंबर ऑफ मोल्स, 1 kg में कितने वाटर के मोल्स हैं। तो आप ध्यान से देखिए ना, 1 kg यानी कितना हुआ 1000 ग्राम, 1000 ग्राम को डिवाइड करेंगे 18 से दैट इज़ इक्वल टू 55.5 मोल्स। ये क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट। फॉर एग्जांपल अब आपको यहाँ से छोटी मोटी चीज़ें देखनी है। और एक और होता है हमारा वॉल्यूम का, दैट इज़ 22.4 लीटर जो होता है एट STP इट इज़ इक्वल टू 1 मोल। अब आपको बोलें कि 44 point something दी हुई है आपको गैस, तो बोलें कितने मोल हैं तो बता दीजिए सीधे 44.4 मोल्स दिए हैं तो दैट इज़ इक्वल टू 2 मोल्स। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको सिंपल। नेक्स्ट इज परसेंटेज कंपोजिशन जो होती है, ये क्वेश्चन जो होगा वो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या निकालने हैं, सबसे पहले मोल्स निकालने हैं तो मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो दैट
विल बी द परसेंटेज कंपोजिशन, यानी कि मोल्स निकाल के मल्टीप्लाई कर दो 100 से, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट जो है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल जो होता है दैट इज़ द स्मॉलेस्ट फार्मूला। फॉर एग्जांपल हम किसी भी चीज़ का ऐसे स्मॉलेस्ट फार्मूला देखते हैं, फॉर एग्जांपल एल्केन का फार्मूला जो है CnH2n है, दैट इज़ द सिंपलेस्ट फार्मूला। एल्कीन का फार्मूला CnH2n सिंपलेस्ट होल नंबर फार्मूला है। अब n की वैल्यूज़ हम जितनी पुट करते हैं जाएंगे उतना वो मल्टीप्लाई हो जाता जाएगा, और हमारा सब्सटीट्यूट हमारा जो है एल्कीन जो है वो हम बता सकते हैं कि नेक्स्ट सीरीज़ में कौन सा आएगा। तो ये होता है हमारा एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है एक्चुअल होल नंबर से जब डिवाइड कर दिया दैट इज़ आवर मॉलिक्यूलर फार्मूला। नेक्स्ट इज स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। ये सिंपल सी हैं, इनके पे अगर क्वेश्चन आ भी जाए कोई भी कर सकता है आराम से। नेक्स्ट इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट जो है इसके बारे में, इसके लिए मैं एक छोटी सी वीडियो और बना के दे दूंगा आपको। इसकी शॉर्टकट ट्रिक है लिमिटिंग रिएजेंट निकालने की, ठीक है, और इसका क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि सिंपल क्वेश्चन बनता है एक इस चैप्टर से। मैं बता दूं आपको कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं हर बार, और वो रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। तो लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में ऐसे छोटा सा बता देता हूँ। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होता है जो कि कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, और जैसे ही वो ख़त्म होता है तो रिएक्शन जो होता है हमारा स्टॉप हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप डाल रहे हो 10 मोल्स हाइड्रोजन के और 2 मोल H2 के डाल रहे हो, तो उस टाइम क्या होगा आपके NH3 कितने बनेंगे? 2 मोल हाइड्रोजन के डाल दिए, 2 मोल नहीं आप 3 मोल हाइड्रोजन के डाल दीजिए और 10 मोल नाइट्रोजन के डाल दीजिए, उस टाइम आपका अमोनिया जो है बनेगा, और कितना अमोनिया बनेगा दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 मोल्स, और बाकी जो मोल्स हो जो होंगे नाइट्रोजन के दैट विल बी लेफ्ट ओवर, ठीक है। ये लिमिटिंग रिएजेंट का केस है, इसके लिए मैं एक वीडियो और एक्स्ट्रा बना दूंगा इसकी शॉर्टकट ट्रिक जो है। नेक्स्ट इज रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस, और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है और जो कल मैं कराऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट, मोल परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, और इन सबको डिटेल में पढ़ना है आपने। और एक बात जान लीजिए, जिसे ये 4 चीज़ें निकालनी आ गई समझ लीजिए उसकी केमिस्ट्री का 10% पोर्शन ख़त्म हो गया। जिसे मोल और ये चीज़ें निकालनी आ गई दैट इज़ कि 10% जो हमारी केमिस्ट्री है दैट इज़ कम्प्लीटेड। फिज़िकल केमिस्ट्री 10% इससे कम्प्लीट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है आपको इक्विलिब्रियम का अल्फ़ा निकालना आ जाए, फॉर एग्जांपल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो समझ लीजिए 20% केमिस्ट्री कंप्लीट है फिजिकल। नेक्स्ट सबसे पहला मास परसेंटेज, ये जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हैं दैट आर इम्पॉर्टेंट, इनको मैं डिस्कस करूँगा अभी इसके बाद, छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं। तो सबसे पहली क्वान्टिटी जो है दैट इज़ मास परसेंटेज क्या होता है दैट इज़ इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोल्यूशन। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि किसी भी सोल्यूट का मास आप डिटरमाइन कर सकते हैं, परसेंटेज डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितने परसेंटेज में पड़ी है। फॉर एग्जांपल इसमें आप किसी इंडिविजुअल आइसोटोप, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल या इंडिविजुअल का मास लेके भी आप कर सकते हैं कॉल क्लासीफाई। नेक्स्ट जो है हमारा मोल फ्रैक्शन जो होती है, यानी मोल की फ्रैक्शन करनी है आपको। मोल जो फ्रैक्शन जो होती है दैट इज़ इक्वल टू 100%, यानी कि 1। अब फ्रैक्शंस में कर लीजिए, अगर ए का निकालना है तो ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, बी का निकालना है बी डिवाइडेड बाई बी प्लस ए प्लस बी। अगर 3 कंपाउंड्स हैं, 3 मोल्स हैं, तो तब ए प्लस बी प्लस सी, तो वैसे करके आपका आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट इज़ द केस ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी में हमने क्या पढ़ना होता है, मोलैरिटी का सिंपल फार्मूला जो है, मोलैरिटी लिख लीजिए जल्दी जल्दी से, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वी। ये सबसे शॉर्टकट फार्मूला है इसका। तो ये सबसे शॉर्टकट फार्मूला है इसका, ठीक है। तो इससे क्या करना है हमको, मोलैरिटी निकल जाएगी हमारी, ठीक है। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला मोलैरिटी का। और एक बात जान लीजिए, मोलैरिटी जो होती है दैट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि देखो हमारा जो लिक्विड जो होता है, लिक्विड की डेंसिटी जो होती है वो वेरी करती है विद द टेम्परेचर। तो
इस कारण वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है और दिस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द स्टैंडर्ड पर्पसेस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा दैट इज़ ऑफ मोलैरिटी के बाद नेक्स्ट आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी में क्या होता है नंबर ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका भी सिंपल फार्मूला क्या है, मोल्स डिवाइडेड बाई केजी। मोल्स का फार्मूला हो गया, मोल्स का फार्मूला क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर मास। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया हमारा मोल के बारे में। उसके बाद एक और केस होता है हमारा नॉर्मेलिटी, उसके बारे में दिया नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मेलिटी क्या होती है। नॉर्मेलिटी इट इज़ इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि गिवन मास डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास इनटू थाउजेंड डिवाइडेड बाई वी, ये उसका डायरेक्ट फार्मूला है। ठीक है, तो अगर आप इस फार्मूले को भी याद कर लें अच्छे से तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी निकल जाएगा। यार इन क्वेश्चंस की बात पता क्या है, इनको डायरेक्टली इस्तेमाल करना होता है। और मैं एक वीडियो बनाता हूँ अभी जिसमें कि मैं नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और मोल इन तीन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो जिससे कि आपका ये तीनों टॉपिक्स जो है वो ईजिली कवर हो जाए।